गाइस, ये लोग आ गए हैं पेड़ का ऑपरेशन करने के लिए। गीता, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन शुरू हो गया। सबसे 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 दुख का टाइम है ये मेरा। अभी ऑलरेडी एक बंदा पेड़ पे चढ़ गया है वहाँ पे। एक एक करके वो नारियल फेंक रहा है। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. उसको कितना नारियल खाया? इसका तो हमने नारियल तभी सा इसका हमने बहुत खाया। टच वुड, मैं क्यों झूठ बोलूं? हम लोग को तो जितना बार गिरा है नारियल, अभी भी देखो कितने अच्छे अच्छे नारियल आए हैं उसमें। वो चाहिए हमें, पूरा टेरेस के लिए चाहिए, सेफर साइड के लिए। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. घोडा कापायला पाहिजे होता, लांबा ठेवला ना घोडा खाली वाढला ना ते थोड़ा। तो गाइज, और मेरा और बैल्कनी में और चार पांच चीज टूट गए। जैसे वो नीचे गया तो उसके कारण वो भी टूट गया। तो देख रहे हैं आप इसका इम्पैक्ट कितना है। अगर इतना सा झाड़ टूटा और वो पूरी बैल्कनी उड़ गई मेरी। अभी 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं, ये पूरी उड़ गई। सोचो इसका एक टिप से इतना हालत है। अगर ये पूरा पेड़ गिरेगा तो ये पूरा घर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स वो गुस्सा तो होगा ही ना हमसे। तो दोस्तों ये देखो, नारियल के झाड़ से ये निकला, जिसको वाटी बोलते हैं, इसके अंदर से। तो जाते जाते नारियल का झाड़ कुछ खाने को भी दे गया। इसमें से वो निकला बस। इसमें से वो निकला खाने वाला चीज। तो गाइस ये हालत हो रही है हमारी, मेरी बैल्कनी की हालत देखो। और इम्पैक्ट वहाँ से बैल्कनी और टूट गई क्योंकि उसका झटका इम्पैक्ट आया। तो एनीवे, ये सबसे बड़ा रोमन का तो दिल है इस पे, और वो तो देख ही नहीं सकता कि पेड़ कट गया उसका। तो
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो एक हरा भरा नारियल का पेड़ था वो अब कट गया। तो गाइस पेड़ कट गया, अब इसका आखिरी प्रोसेस रहेगा। पर आज ये तीन चीज भी टूट गए। आज काफी बड़ा इम्पैक्ट है। अब मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। ओ वाह, मेरा कंघा मिल गया। अब मैं सोच रही हूँ ये सारे प्लांट्स को मैं यहाँ पे सेटअप कर लूँगी ऐसे करके ट्रायंगल में। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने अपनी चाय बनाना शुरू कर दिया है। चाय के बिना तो पेट्रोल, वो मेरा पेट्रोल है, वो नहीं चलेगा तो फिर मेरा काम ही कैसे होगा। तो अब मैंने कड़कती धूप में थोड़ा सा काम कर लिया। वापस मैंने अपने गमले रख लिए और ये नारियल निकले हैं हमारे पेड़ में से। कुछ तो सूख गए हैं, कुछ में पानी है। अब ये साइड में रखा है मैंने और वापस, कितना अजीब लग रहा है ना, पर ये है कि यहाँ से खुला आसमान काफ़ी दिख रहा है। अब ये सब पूरा निकल गया और मेरे गमले ऐसे रखे हुए हैं मैंने। फ़िलहाल मैंने ये अभी नए गमलों में मिट्टी डाली है, नए गमलों में, और इसमें कुछ तो मैंने फ्लावर्स के बीज डाले हैं। अब देखते हैं उसमें से कितने खिलते हैं। बैंगन भी अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है, पत्ते काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए। पत्ते आने से कुछ फ्रूट भी आ जाए या फल भी आ जाए तो भी अच्छा है। मोगरा ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरा मोगरा काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब कटिंग के बाद में ना अनएक्सपेक्टेडली जो नहीं एक्सपेक्ट करी थी वो हो गया। तो अब जाके मेरी बालकनी हुई है साफ और पसीना देख रहे हो, तुम्हारी बहन को कितना पसीना आया। यानी काम 5 बजे ख़त्म हो गया, चाय बन रही है, फिर भी उतना नहीं हुआ, अभी भी काफ़ी मेस है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कल करूँगी। बहुत काम कर लिया आज सुबह से, बहुत ही काम था आज, तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं रेस्ट कर सकूँ। फाइनली बालकनी धो दी है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पूरा कचरा 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 हो गया था। अब नारियल कैसे करना है क्या करना है पता नहीं, लेकिन मैं तो मेरी फैमिली के लिए रख ली है नारियल पानी वाले। यहाँ बन रही है मेरी चाय। चाय पीने के बाद में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आज वॉकिंग के लिए निकल जाएं। थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकलेंगे, गाने लगाएंगे, बहुत बढ़िया गाने डाउनलोड किए मैंने, लगा के बस निकल जाऊँगे। 1 आवर की वॉकिंग धीरे 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 करके आऊँगी। 1 आवर मतलब मैं 7 बजे निकलूँगी तो 8 बजे आऊँगी। अच्छा, तो खाना वाना हो गया है। सो दोस्तों मैं तो आ गई हूँ अपना वर्कआउट करके और नहा भी ली, दिया बत्ती भी हो गया। अब थोड़ा सा बैठी हूँ लाइम जूस लेके, और फॉर अ चेंज आज मुझे खाना नहीं बनाना। खाना क्यों नहीं बनाना, क्योंकि आज मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि अब्रॉड से आए हैं, आज वो हमको पार्टी दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला आज कोई खाना नहीं बनाएगा, आज सब नीचे बैठ के खाना खाएंगे। तो वो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो रात को हम जाएंगे नीचे खाना खाने। भगवान कभी कभी बहुत दया करता है। सुबह से मैंने बहुत काम किया, लेकिन बहुत, मतलब बाहर अगर आप मेरे वीडियो शूट देखेंगे सुबह से लेके शाम तक का, बहुत काम था। धूप में आज हम पक गए धूप में, मतलब फिर भी अभी भी आधा अधूरा काम है जो मैं कल करूँगी। और फिर जॉगिंग किया मैंने, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पाँव के नीचे जो एड़ी है ना वो बहुत दर्द कर रही है, बहुत दर्द, असहनीय दर्द है, असहनीय। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है बस यही रुक जाओ, लेकिन फिर हिम्मत हार गए तो फिर मज़ा नहीं है ना। इसके लिए मैंने कैसे ना कैसे करके आज 4 किलोमीटर किया, पर टाइम पूछेंगे तो मैंने पूरा 1 घंटा और 10 मिनट लगाया, जो कि बहुत ही बेकार है, बट इट्स ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ। गाइस हम सब रोमन का इंतज़ार कर रहे थे, रोमन आ गया, अब हम जा रहे हैं नीचे पेट पूजा करने के लिए। सो लेट्स, तो आज हमारा खाना नीचे है, स्पॉन्सर्ड बाई रोम सिरेजो, रोमन का बड़ा भाई।
लक्की को सब सुनने का। स्पॉन्सर्ड बाय रोमन सिरेजो। रोमन सिरेजो पूजा कर रहा है? नहीं चालू नहीं था ना। अच्छा मुझे लगा तो पूजा कर रहा है। अभी चालू किया। अच्छा वो आया क्लोज है उसको। रोमी आ गया, अब घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ मैं भी चना चेंग लाई अभी लाए। ब्रेड ब्रेड के साथ चिकन सुक्का 3 मिला, मटन सुक्का 1 ही मिला। गाइस मुझे मिल गई है गिफ्ट रोमियो की तरफ से। और क्या गिफ्ट मिला है? फेवरेट लकी भी रुका हुआ है देखो दो पैर पे। एक रोमन के लिए एक मेरे लिए। हमारी आ गई है परफ्यूम। लकी देखो कैसे दो पैर पे बैठा हुआ है। लकी को कैसे हीरो बन के बैठा है। आते देखो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने निकाला है अपना सूटकेस का ये खजाना। वाओ फेरेरो रोशो मेरा फेवरेट। हमारा हो गया खाना खत्म। थैंक यू सो मच रोमियो। और रोमियो ने दे दिया हम लोग को गिफ्ट। चलो गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। चलो गुड नाइट मम्मी। अब हम चले सोने के लिए खाना खा के।